हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ आकाश कुमार, बाइक प्रोफेशनल ट्रेनर, ड्राइविंग स्कूल विभूतिखंड गोमती नगर लखनऊ। हेलो, आप सब कैसे हैं? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी लोगों से मैं आज फिर से एक वीडियो के जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी कार चलाना होता है तो कार चलाते समय जो हम लोग गियर चेंज करते हैं, गियर क्यों चेंज करते हैं और कब चेंज करते हैं और गियर चेंज करते समय हमारी कार की स्पीड क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ आपको और अपने स्टूडेंट के साथ में। आज मेरे साथ में आज एक नए स्टूडेंट है जो कि अभी ड्राइव कर रहे हैं। ये अभी बड़े रास्ते पे फैजाबाद रास्ते पे हैं, जो फैजाबाद रोड है लखनऊ में आपका पॉलिटेक्निक के पास में। ये अभी वहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं, ये अभी मेरे से सीख रहे हैं। तो पहले हम लोग सब जान लेते हैं कि इनका क्या नाम है, इनका कौन सा डे है और ये कहाँ से ड्राइविंग सीखने आते हैं। फिर मैं आप सभी को मैं बताता हूँ कि गियर कार चलाते वक्त हमें गियर कब और क्यों और कितनी स्पीड में चेंज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। उससे पहले आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल पर ढेर सारी वीडियो देखते हैं, ढेर सारा प्यार देते हैं, आप सभी को धन्यवाद। आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ओपन कर लें, ऑन कर लें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मेरे YouTube चैनल से जुड़ी सारी बातें आप तक पहुंचती रहें। आइए मैं बात कर लेता हूँ अपने स्टूडेंट से, वैसे ले जाना स्टेट। इनका क्या नाम, इनका जाना तो। हेलो भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ है। ऋषभ जी, आप कहाँ से ड्राइविंग सीखने मेरे पास आते हैं? आप ड्राइविंग सीखने मेरे पास कहाँ से आते हैं भैया? मैं विवेकखंड से आता हूँ। विवेकखंड गोमती नगर से आप ड्राइविंग सीखने मेरे पास आते हैं। आज कौन सा डे है आपको मेरे साथ में ड्राइविंग सीखते हुए हो गए हैं? फिफ्थ डे है। आज फिफ्थ डे है, ठीक है। अभी आप कौन सी कार चला रहे हैं मेरे साथ में? ऑल्टो। ऑल्टो कर, ये कितनी सीसी का इंजन होता है आपको पता है? 800 सीसी। गुड, ठीक है। अभी आप कौन से गियर में कार चला रहे हो? थर्ड गियर। मतलब कि आपको अभी फिफ्थ गियर में कौन कौन सा गियर बताया गया है? मेरे को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, रिवर्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और रिवर्स गियर आपको फिफ्थ गियर में आपको बताया गया है। बट थर्ड गियर में स्पीड क्या होती है आपकी? अराउंड 40 to 60। नहीं, 40 लास्ट होता है, ठीक है। अच्छा, 40 पे फिर आपका फोर्थ गियर यूज करना पड़ता है आपको। अच्छा, ठीक है, आपको मैंने बताया बट आपको उसका ध्यान ना हो, ठीक है, कोई नहीं। अभी आप कौन से रास्ते पे हैं? रास्ता तो कोई बात नहीं, आप पॉलिटेक्निक उसके ऊपर जो फ्लाई ओवर है ऊपर पे हम लोग हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मुंशी पुलिया की साइड में, ठीक है। ओके, अभी सीधे हम लोग को जाना है। और आप मेरे बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं काफ़ी अच्छी तरह से सीख रहा हूँ, मैं और लोगों से भी सीख रहा हूँ जो काफ़ी सिखाते टाइम चिल्लाते हैं या फिर चीज़ें एकदम लास्ट में बताते हैं, बट आप काफ़ी पहले बता देते हैं तो वो चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। प्लस ये 5वां दिन है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट लर्निंग थिंग्स, तो काफ़ी अच्छा लग रहा सीख के। जब अपनी खुद की कार ले लूँगा तो शायद थोड़े दिन आपसे सीखूँगा। आप कौन सी कार लेना चाह रहे हैं अभी? मैं होंडा सिटी सोच रहा था। गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया कार होती है, ठीक है। और बाकी हर एक लोगों की पसंद अलग होती है, हर एक लोगों का बजट अलग होता है, ठीक है, बहुत अच्छी कार है। गुड, तो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आप सीख रहे हैं मेरे साथ, हम लोग आगे जा रहे हैं मुंशी पुलिया की साइड जा रहे हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि गियर कब और कैसे चेंज करना हो आप सभी को, और आपको भी बताते हैं गियर कब और क्यों चेंज करना होता है और कौन सी स्पीड में कौन सा गियर हमें लगाना होता है, ठीक है। अभी आगे ट्रैफिक लाइन है, वहाँ पर आपको कार को खड़ी करना होगा। यहाँ पे देख करके आपको पहले गियर चेंज कर लो ना धीरे से। गुड, हाँ, ठीक है, आपने न्यूट्रल किया ना? हाँ, न्यूट्रल करने के बाद गुड, फर्स्ट गियर। जब भी कभी हम ट्रैफिक में खड़ी करते हैं कार, जब भी कभी हम लोग कार खड़ी करते हैं उस समय हम लोग गियर जो है वो फर्स्ट गियर लगा लेते हैं, ठीक है। जब भी कभी हम लोग कार खड़ी करना होता है गियर न्यूट्रल करके और फर्स्ट गियर लगा लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम हर एक जगह पे, हर एक टर्निंग पे और हर एक जब भी गियर चेंज करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम हर एक बार गियर को न्यूट्रल करें। गियर जब भी लगाना होता है गियर को डायरेक्ट ही लगाना होता है। चलते जाओ, गुड, बहुत बढ़िया, गुड, बिल्कुल आपकी कार अभी वाइब्रेट नहीं की आपकी फर्स्ट गियर में, ठीक है। गुड, अभी सीधे स्टे जाना भी हम लोगों को। गुड, सेकंड गियर लगा लो। गुड, सेकंड गियर लग गया। जब भी कभी हम लोग कार को खड़ी करते हैं, जब भी कभी स्टार्ट करना होता है तो हम लोग फर्स्ट गियर पे ही कार चलाना होता है, ठीक है। फर्स्ट गियर चलाते हैं जब हम लोग, तो फर्स्ट गियर पर जो स्पीड होती है वो 10 से 15 के आसपास हो जाती है। 10-15 के आसपास फिर हम लोग सेकंड गियर लगा लेते हैं, क्योंकि सेकंड गियर हम लोग इसलिए लगाते हैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होता है।
फर्स्ट गियर पे 10 और 15 की ही स्पीड रहेगी। अगर हमें स्पीड बढ़ाना है तो हम लोग सेकेंड गियर लगा लेंगे, सेकेंड गियर पे चलाते जाएंगे हम लोग सीधे। ठीक है, सेकेंड गियर की जो स्पीड होती है वो 20-25 के आसपास चलती रहती है। अभी आगे स्पीड ट्रैफिक लाइन है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पीड कम करना होगा। और जो आपने अभी लेफ्ट वाला पैर रखा ना उसको थोड़ा सा आप हील पीछे करो हल्का सा, लेफ्ट वाला पैर, नहीं तो आपके पैर में थोड़ा सा दर्द होगा, ठीक है, फिर दिक्कत होगी आपको पैर में चलाने में। आगे से आपको लेफ्ट जाना होगा, लेफ्ट का सिग्नल दे दीजिए, आपको पता होगा लेफ्ट का सिग्नल कहाँ से दिया जाता है। गुड, ठीक है, अभी सिग्नल है ग्रीन सिग्नल, आप जा सकते हो। ऐसे रास्ते पे आपको ग्रीन सिग्नल रेड लाइट आपको देख करके फिर जाना होता है। गुड, हल्का सा राइट और लेफ्ट टर्न करने से पहले आप मिरर में जरूर देखिए, अगर ये साइड मिरर में ये चलते जाओ लेफ्ट जाना भैया, आपको चलते जाओ, हल्का सा एक्सीलेट करते हैं। कभी भी एक्सीलेट और ब्रेक से आपकी कार भी झटके नहीं लगना चाहिए, अगर आप एक्सीलेट और कस के दबा देते हो तो भी झटके लगेगा, कार कस के पकेगी आपकी। वापस चीज़ा करो, हल्का चीज़ा करो, गुड। और अगर आप कस के आप ब्रेक दबा दे रहे हो तभी आपकी कार एकदम से चिपक के सट के वहीं कार आपकी खड़ी हो जाएगी। ठीक है, अभी स्पीड जा रहा हूँ आराम से, आराम से जाना है। तो हम लोग सेकेंड गियर चलाते हैं 20 और 25 तक, ठीक है, 30 के करीबन हम लोग थर्ड गियर अपनी कार में लगा लेते हैं, क्योंकि जब थर्ड गियर हम लोग लगाएंगे, जैसे कि अभी आपने लगाया है, गुड, 30 के पास आप थर्ड गियर लगा लिया, गुड। जब हम लोग थर्ड गियर लगाएंगे तो थर्ड गियर की थोड़ा सा फिर से स्पीड बढ़ जाएगी, थर्ड गियर में जो आपकी स्पीड होगी वो कम से कम 40 के करीबन होगी। जैसे कि इस समय आप अभी थर्ड गियर में कार, आपका जो गियर है वो थर्ड गियर लगा है, स्पीड जो है वो आपकी 40 के करीबन है। गुड, अभी सीधे जाना हम लोग को, और राइट में तभी चलाते हैं जब हम लोग 40 प्लस स्पीड होती है तभी हम लोग राइट में चलाते हैं, जैसे कि आप अभी चला रहे हो। गुड, ठीक है, अभी लोग सीधे से जाएंगे और फिर 40 के बाद हम लोग फोर्थ गियर लगा लेते हैं, फिर फोर्थ गियर पे आपकी 60 तो भी फिफ्थ गियर लगा लेते हैं, फिर वो तो आप गियर हो जाता है, फिर आपकी जो लास्ट स्पीड होगी वो आप चलते जाओगे कोई इशू नहीं। ठीक है, अभी आपको सीधे से जाना है, आगे से हम लोग पहले से ही स्पीड कम रखेंगे, टर्निंग है आगे पे, सेक्टर 25 वाला चौराहा है यहाँ पे, यहाँ से हम लोग लेफ्ट साइड में सर्विस रोड ले लेंगे, जाना हमें सीधे ही है बट हम लोग सर्विस रोड ले लेंगे। ठीक है, नीचे नीचे जाएंगे हम लोग, हाँ सिग्नल आपने दे दिया, गुड, ठीक है, अभी आपको मिरर में देखा है, लेफ्ट मिरर में सेक्टर कोई अभी नहीं आ रहा, एक कार आ रही है, इंडिगो कार है, उसको ले करके आपको आना है, गुड, तो निकल गया, गुड। अभी आपको धीरे धीरे स्पीड कम कर लेना है, गियर कम कर लेना है, ठीक है, पहले तो सेकंड गियर लगा लो आप धीरे से, गुड, स्पीड कम रखना, हाँ क्लच छोड़ दो, क्लच छोड़ देते हैं, गियर चेंज करते हैं क्लच। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको खड़ी करना है पूरा क्लच, धीरे से ब्रेक और लगा लो ब्रेक, गुड, थोड़ा सा स्पीड बना के रखते हैं, गुड। अब फिर से आप फर्स्ट गियर लगा लो, हाँ आपको पता है यहाँ से हम लोग सर्विस रोड जाएंगे, जाना हमें सीधा ही है बट हम लोग सर्विस रोड जाएंगे नीचे नीचे। अभी यहाँ पे रेड लाइट है, ठीक है, अभी हम लोग खड़े रहेंगे, ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइट आते ही फिर हम लोग चलेंगे, गुड, आ गई ना, चलना आपको हल्का, अब आपको क्लच पता ही है कैसे छोड़ना है, हल्का हल्का क्लच छोड़ना है, अगर आप स्पीड में छोड़ोगे तो आपका इंजन बंद हो गए, जैसे कि अभी आपने फिर से कार खड़ी किया तो आपने फिर से फर्स्ट गियर लगाया, ठीक है, गुड, जाते रहिए हल्का हल्के जाते रहिए, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, गुड। अब आगे से आपको रोड चेंज कर लेना है, गुड, लेफ्ट आइए, लेफ्ट आइए, वो राइट जा रहा है, लेफ्ट आइए, टैक्सी की वजह से ही ड्राइविंग करने में दिक्कत होती है, टैक्सी हो गई, ई रिक्शा हो गया, ठीक है, गुड।
आराम से। आप कभी भी अपनी कार, कोई भी सामने से कोई बड़ा वाहन आए, आपको अपनी कार रास्ते से नीचे नहीं लेके जाना होता है, ठीक है? आपको अपनी कार रास्ते से नीचे नहीं लेके जाना होता है, बस आप पहले से रास्ता दे करके, अगर आपके सामने रास्ता नहीं तो आप अपनी कार साइड में ही पहले से खड़ी कर दो, ताकि वो जैसे भी निकाले वो निकाले। अगर कुछ बाई मिस्टेक गलती भी हो जा रही है, टच भी हो जा रही है, तो सामने वाले की ही गलती होगी, आपकी गलती नहीं, क्योंकि आपकी कार तो पहले से खड़ी है, ठीक है? गुड। राइट को रास्ते से नीचे जा सकता है आराम से। गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलते जाओ। अब आगे शिफ्ट करना आपको भैया, लेफ्ट का सिग्नल देना भाई। ऊपर कर दीजिए सिग्नल। गुड, ठीक है, हॉर्न दे दीजिए। इधर बाइक जा रही है, उधर बड़ा वाहन आ रहा, सबको हॉर्न देकर फिर लेफ्ट जाना है यहाँ से। उससे लेफ्ट टर्न करना आपको, टर्न करिए हल्का हल्का, धीरे धीरे टर्न करिए। यहाँ पे तीन रास्ते हैं, यहाँ पे आपको किस रास्ते में लगना है? आपको बीच वाले रास्ते में लगना है, क्योंकि आपको जो स्पीड चलाना है वो मिडिल में चलाना है, ठीक है? गुड। लगा सकते हो, अगर आपको स्पीड कंट्रोल करना है तो आप लगा सकते हो। लग गया, छोड़ो। गुड, वहाँ पर धीरे से ये लगाते, बिल्कुल एकदम से नहीं भगाते हैं, कभी भी किसी भी वाहन में स्पीड धीरे धीरे ही भगाना होता है, क्योंकि जो इंजन होता है वो एकदम से स्पीड नहीं भगाता, भी वो स्पीड धीरे धीरे ही रहता है। गुड, बहुत बढ़िया, अभी धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा, बहुत अच्छा चला रहे हो आज आप। गुड, थोड़ा सा आपको अभी और ध्यान देना है कहाँ पे, जब आप ब्रेक लगाते हो, और थोड़ा सा आपको ध्यान देना जब आप स्टेयरिंग टर्न करते हो, कभी कभी कुछ ना ज़्यादा स्टेयरिंग आप टर्न कर देते हो। यहाँ पे क्या करना, आपको थर्ड गियर पे निकालना, बट आपको हल्का सा ब्रेक ले लेना है, इसको बस हल्का सकन करना है। गुड, ठीक है, छोड़ो, जाने दो। गुड, वहाँ पर निकल गई ना थर्ड गियर पे, सेकंड गियर पे भी निकाल सकते हो, थर्ड गियर पे भी निकाल सकते हो, आप बस अपनी कार की स्पीड कंट्रोल कर लो अपने तरीके से। गुड, सीधे आना चाहिए।